वेलकम डेटा इंटरप्रिटेशन दोस्तों, इससे पहले कुछ पार्ट हो चुके हैं, सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चंस दोस्तों, ये जो डीआई का सेट है, ये आपका रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि ये सॉल्व करना कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बट यहां पर कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो सवाल 2 या 3 सेकंड में हो जाए उसको 1 या 2 मिनट में क्यों बनाए, ये यहां पर सबसे मुख्य बात है। देखिए सबसे पहले मैं आपको डीआई के बारे में समझाता हूं, इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, ये दोस्तों आपको अलग अलग ईयर्स दिए गए हैं, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। आपसे कहा गया है कि 2014 में जो टैक्स पे किया उन्होंने 19, और दोस्तों यहां पर कुछ नोट भी दिया कि आंकड़े जो है वो हजारों में उपलब्ध है। तो 2014 में जो टैक्स दिया गया है वो 19,000 दिया गया है। ठीक है, अगर 7.4 है ना, इसमें 3 जीरो और लगा दो, मीन जो पॉइंट हटाएंगे तो आपका 7,400 बन जाए। 1000 का अर्थ दोस्तों ये कि इसमें 1000 का मल्टीप्लाई और कर दो तो वही अमाउंट आपका बन जाए। जैसे आपका 7.4 है ना, अगर यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा जीरो, तो ये वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, तो वो 7.4 ना होगी आपका, ये वैल्यू होगी। ठीक है, 1000 में जब आवश्यकता पड़ेगी तब 1000 में हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है? 2012 देखिए कहां है, ये है, ये आपको ऐड करके बताना है क्या आंसर होगा। ऐड कैसे करना है वही मुख्य बात है। जनरल स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको जोड़ा आपने और ये सब कुछ उन्होंने किया, तो इस प्रकार से उनका जो है आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, तो देखिए 6 और 1 7, लास्ट में 7 पॉइंट है, 1000 का मल्टीप्लाई है तो पॉइंट से 1 जीरो हट जाएगा तो 700 के आसपास आएगा। यहां आप देखेंगे तो 700 के आसपास आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आप बोलेंगे सर ये 700 इसमें था इसलिए हो गया, किसी और में 700 होता तो क्या करते हम, तब कुछ अलग करते। हालांकि मुझे पता है कि 6 और 1 7, तो लास्ट में 700 के आसपास आएगा क्योंकि 0.7 रहेगा ना, और इंटू 1000 करेंगे तो इससे ये पॉइंट हट जाएगा, तो लास्ट में 700 बचेगा कि नहीं बचेगा, 700 सिर्फ इसी में है। बट आप कहेंगे कि अगर 2 में 700 होता तो, या 3 में 700 होता तो देखिए इसको ऐड भी कैसे करते हैं वो भी हम आपको बता दें। 46 और 14 कितने हुए, 60 हुए ना। हमने क्या किया, इसको 10 लिया, 7 मैंने छोड़ दिया, 60 10 70, ये 12 हुए ना, 7 5 12, मैंने इस तरफ वाला वैल्यू जोड़ रहे हैं, 70 और 10 80, और 2 यहां छोड़ा था, 7 यहां छोड़ा था, 12 का 2 छोड़ा था, 80 और 9 89 और 0.7, तो 89,700 आपका ये आंसर निकल के आएगा। कैसे, चलिए मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं। ये आपका है, इसको मैंने जोड़ा, क्या हुआ 60 निकल के आया, 7 5 12, चाहो तो आप ऐसे कीजिए 7 5 12, 12 और 17 क्या हुआ, 29 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये तो आपका हो गया 89, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 89.7 आएगा, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट है वहां से 1000 में से 1 जीरो हट जाएगा तो 2 जीरो बचेंगे, बस आप यहां पर 2 जीरो लगा दीजिए तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एड आपको ऐसे ही करना है, जल्दी जल्दी आपको ऐड करना है, वरना अगर आप ऐसे ऐड करेंगे और कहीं बीच में अगर भूल जाते हैं तो फिर से आपको स्टार्टिंग से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए ना यहाँ 4 है 4 है 6 है, इसको 10 बनाइए ना, इसको 60 में लाइए, फिर इनको आप एक साथ जोड़िए। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 1 सेकंड में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च, किराना पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? वर्ष 2014 ईएमआई, ईएमआई क्या है 7.4, हम यहां रखेंगे 7.4, और पूछा गया है किराना पर 2014 में इसका कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है खर्च का हो
से हो तो आपको उसको नीचे रखना पड़ता है। इनटू 100 करेंगे आप, नहीं करना है, बाद में देखा जाएगा उसका। पॉइंट जीरो लगा दो, ठीक है। करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जीरो से जीरो हट जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हट जाएगा। तो आपका इंटू 10 बचाना, तो ये 10 आपका कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है। मैंने क्या किया, 7.4 था, मैंने यहां पर 100 कर दिया, तो ये पॉइंट चाहो तो आप इससे हटा लो, फिर ये वही चीज आपकी आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 2 से हम लोग काटते हैं। 26 हुआ ना, 26 दूना 52, इसे आप काटोगे, 2 3 6, 2 7 40, ये आपका हुआ। चलिए इसको भाग देते हैं, 26 से भाग देते हैं, 26 1 26, 37 से 26 को लेस करोगे क्या बचेगा, 11 11, और आपका ये 0, तो 110। देखिए कैसे, अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो कुछ एक और टाइम कर दूं तो सारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 11 है, 14 है, 13 है, 15 है, एक बार और भाग देना है बस। तो इसका 26 में जब भाग देंगे हम, देखिए 26 दूना क्या होता है, 52, इंटू 2 किया, 26 दूना 52 और 52 दूना 104, 52 दूना 104, दो बार मैंने 2 2 times किया, तो ये आपका 4 times गया है नहीं गया बताइए। 26 चौको आपका होता है 104, तो देखिए 104 जब काटेंगे तो आपका 6 बचेगा। अब देखिए 104 काटेंगे, अगर 26 पंचे हम करते हैं, 26 फाइव करते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 times गया ना, 1 time इससे गया था, फिर 4 time इससे गया है। कहने का अर्थ दोस्तों ये है, इसको जब आप डिवाइड करोगे 370 को 26 से, 26 बन गया 26, 11 बचाना 0, 26 टू जा 52 और 52 टू जा 104, तो ये आपका 4 times विभाजन हुआ 104, बस ये आपका 14 पॉइंट के कुछ समथिंग जाएगा। और देखते हैं ऑप्शन आपका एक ही है, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और होता कि 14 पॉइंट समथिंग कुछ, तो आपको एक बार और भाग यहाँ पर देख के चेक करना पड़ता, ठीक है। तो 14 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ये भी आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर भी, तो इसी को आप टिक कर लीजिए, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। मनोरंजन आपका क्या है, ये है, इन सब को ऐड कीजिए और 5 से डिवाइड कीजिए, तो आपका आंसर निकल के आता है। बट ये सब कुछ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं अपने मेथड से, तो मैं बोलूं 6 8 14 और 1 15 और 5 20, 4 7 7 14 और 1 15 प्लस 3, तो मैं बोलूं 7000 आंसर, 7000 आंसर। आप बोलो कैसे, देखिए मान लीजिए कोई वैल्यू है आपकी 15 प्लस 3 प्लस 2, इसका मुझे एवरेज निकालना है, मैं समझा रहा हूं। एवरेज क्या होता है, देखिए यहां पर आप कुछ ऐसा नंबर डालिए, यहां पर डालिए आप 7, यहां पर डालिए 2, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं बस। इसका आपको एवरेज निकालना है, कितने नंबर है, 3 है, हम चाहे तो 3 को अलग अलग भाग दे दें फिर जोड़ दें, एवरेज निकल आएगा। चाहो तो 1 का भाग दे दें, दोनों को जोड़ के फिर से 3 का भाग दे दें, जैसे कि ये 3 से कट रहा है, 3 5 15, अब ये अलग अलग नहीं कट रहे हैं तो दोनों को जोड़ा 9 9, को 3 से डिवाइड दिया 3, इसका एवरेज दोस्तों क्या आएगा, 8 आएगा निकल के। मींस जो आपका 3 से कट रहा है उसको काटते जाइए ना, पहले से थोड़ा अच्छा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा अमाउंट। 15 मैंने 3 से काट दिया, 5 बन गया, 7 2 9 से मेरे आप 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 बन जाएगा, तो आपका 8 इसमें औसत आ जाएगा। कहने का अर्थ दोस्तों ये है, चलिए हम इसको यहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। 5 6.5 7.1 7.9 और आपका 8.5 बना। हमने क्या किया, ये 5 5 है ना, इनको पहले ऐड कर लिया, तो 8 6 और 8 14 और ये 0.1 0.5 0.5 एक बनेगा, तो 8 6 14 और 0.5 0.5 एक 15 और 5 20 हुए ना। और देखिए कितने टर्म आपके पास है, 5 है, पहले इसको मैंने 5 से किया तो 4 बन गया, तो
इन तीनों का एवरेज क्या बन के आया, 4। अब इनको जरा ऐड करके 714.9.1 एक बन गया, 714 और एक 15, अब 15 को मैंने 3 से 5 से भाग दिया तो 5 3 15, तो देखिए इनका तो आया था 4, इनका आया 3, तो दोनों को जोड़ दो कितना बन जाएगा 7, तो 7000 आंसर आपका आ जाएगा। मैंने आपसे ये बोला है जहां जहां आपको भाग देना पड़े आप वहां भाग दे लीजिए, मैंने देखा कि ये ऐड करने में आसानी हो रही है, इनको मैंने ऐड किया, ये आपका 15 बन गया और 5 आपका पहले से था, 15 5 20, पहले मैंने इनका एवरेज निकाल दिया, 4 निकल के आएगा। अब ये दोनों बचे हैं इनको जोड़िए, ये 15 हो रही है, 5 से फिर से भाग दीजिए, 3 बन के आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 7000 आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पे कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हम 0.5 0.5 को लेते हैं, तो ये था इनको मैंने ऐड किया, 6 8 14, 0.5 0.5 एक बना, 14 और एक 15 और 5 20 20 को मैंने 5 से भाग दिया, 4 बन गया आ गया आपका, 7 7 14 15 15 से मैंने 5 को भाग दिया, 3 बन के आ गया, और 4 और 3 7 7000 आंसर। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ऐसे निरंतर वीडियो आते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।